देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में अब भी नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठता सवाल शांत नहीं हुआ है। ऐसे में जेएनटी अपने प्लेटफॉर्म से छात्रों के सवाल पूछता है। अभी तक नीट के पूरे मामले के विश्लेषण के बाद 12 सवाल निकलते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रही है अर्जियों की बौछार। तो ये हमारा पहला सवाल है कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की बौछार क्यों हो रही है। तो वहीं दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि ग्रेस नंबर के बाद नीट में धांधली का मामला क्यों उठ रहा है। ये दूसरा सवाल है कि नीट जो है वो ग्रेस मार्क जो है क्यों किए जा रहे हैं। फिर वहीं तीसरा सवाल उठ कर आता है क्या ग्रेस नंबर के बाद एनटीए ये भी मानेगा कि पेपर लीक हुआ था। ये तीसरा सवाल है। और उसके बाद चौथा सवाल, ग्रेस नंबर हटने के बाद भी क्यों नहीं सुलझ रहा नीट का विवाद। ये चौथा सवाल है कि नीट की धांधली का जो मामला है वो सुलझ क्यों नहीं रहा। तो वही पांचवा सवाल ये निकल कर आता है कि नीट में पेपर लीक का क्या है पटना कनेक्शन। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पटना से नीट पेपर लीक का क्या कनेक्शन है। तो वही आते हैं छठे सवाल पर कि नीट पेपर लीक मामले में गुजरात पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को भी दोषी करार पाया गया है कि वो किस हिसाब से छानबीन कर रही है। ये छठा सवाल है। तो वहीं सातवां सवाल ये आता है, क्या नीट के पेपर में खाली ओएमआर शीट भरा के उसे बाद में भरने की डील हो रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। तो वहीं आते हैं हमारे आठवें सवाल पर, क्या नीट परीक्षा में नकल कराने का रास्ता खुला हुआ था। क्या जो परीक्षा हो रही थी इसमें नकल कराने के लिए भी कोई रास्ता है जो खोला गया था। तो वहीं नौवें सवाल पे आते हैं कि 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा का विकल्प देने धुल जाएंगे एनटीए के दाग। क्या जो उन्होंने आदेश दिया, जो फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स जो है हटा दिए जाएंगे और वापस से परीक्षा दिया जाएगा, तो क्या उनके सारे जो है दाग इससे मिट जाएंगे। ये नवा सवाल। तो इन दसवें सवाल पर आते हैं कि जांच जारी है तो क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों। अगर अभी भी जांच जो है वो लगातार जारी है तो क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी क्यों है, ये जल्दबाजी नहीं होगी। तो वहीं आते हैं हमारे 11वें सवाल पे, क्या एनटीए अपने सिस्टम की खामी दूर करने की जगह सिर्फ बचने में जुटी है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एनटीए जो है वो अपनी खामी दूर नहीं कर रही है लेकिन बचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं 12वें सवाल की ओर बढ़ते हुए, बच्चों के भविष्य पर क्यों हो रहा है सियासत का खेल। तो कहीं ना कहीं किसी की जांच, किसी का जो भविष्य है वो इस पर टिका हुआ है। और बच्चों के भविष्य की यहां बात है क्योंकि उनकी मेहनत की बात है, उन्होंने काफी मेहनत की थी और अंत में जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। तो ये अपने आप में बड़े ही गंभीर सवाल है कि किसी की गलती और किसी का हर्जाना। तो अब इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली की शिकायतों की अनगिनत कहानियां हैं, उसी में टाइम लॉस भी एक मुद्दा है। एनटीए ने खुद माना है कि बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, तभी ग्रेस नंबर दिए, लेकिन ग्रेस नंबर खत्म होने के बाद बच्चों के पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रखा गया जो उनके लिए काफी कठिन साबित हो सकता है। आखिर नीट विवाद क्यों नहीं सुलझ रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद ग्रेस मार्क्स का विवाद भले ही थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे कम से कम संतुष्ट तो वो बच्चे भी नहीं हो रहे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जिनसे अब कहा जा रहा है कि वो दोबारा नीट का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आखिरकार सेंटर में बच्चों को पेपर तो लेट मिला ही था और जिन्हें लेट मिला था उन्हें ही ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन उनसे अब कहा जा रहा है कि आप दोबारा से बैठिए, एग्जाम दीजिए और इस बार जो नंबर आएंगे आपको उसी स्कोर के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं वो बच्चे भी अब परेशान दिखाई पड़ रहे हैं जिनके मार्क्स ग्रेस मार्क्स लगाकर तो ठीक आ गए थे, लेकिन अब जब दोबारा वो एग्जाम देने बैठेंगे तो शायद किस मानसिकता के साथ बैठेंगे, स्टेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, उनके साथ भी ये अब एक संकट दिखाई पड़ रहा है। तो नीट मामले में ग्रेस अंक रद्द करने के बाद एनटीए ने 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प जो है उनके सामने रखा है, लेकिन ये परीक्षा उन्हें केवल 10 दिनों के अंदर यानी 23 जून को देनी होगी। ऐसे में ये विकल्प जितना आसान दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बात की एक याचिकाकर्ता नितिन विजय से।
क्या पिटीशन आपकी थी और आज क्या रिस्पांस किया है कोर्ट ने आपको? सर, हमारी तीन मेजर मुद्दे जो थे हमारे पिटीशन जिसकी सुनवाई ट्यूसडे को होने की पूरी पूरी उम्मीद है, उसमें एक तो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा था कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, पर उसको तो कल ही एड्रेस कर दिया गया कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। पर उसमें जो दूसरा मुद्दा हमारा है कि जिन 1563 बच्चों को दोबारा चांस दिया गया कि वो दोबारा एग्जाम देंगे, पर मैं कह रहा हूं ऐसी इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं अगर हुई है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे नहीं हुई जहां से कंप्लेन आई थी हाई कोर्ट को लेके, कंप्लेन बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल अथॉरिटीज को दी गई। क्या उन बच्चों को जहां पे कंप्लेन आई थी, जहां पे और गड़बड़ी हुई थी, उनको क्या दोबारा पेपर देने का चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 110% उन्हें चांस मिलना चाहिए। 600 नंबर के ऊपर पिछली बार 29,348 रैंक थी, इस बार ये रैंक 81,179 हो गई है। अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 176% ग्रोथ हो गई है इन्फ्लेशन इन रैंक, जबकि पेपर लगभग लगभग वैसा ही था। बच्चे जो एस्पिरेंट्स बड़े वो 16% ही थे। अच्छा, एनटीए कहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नेचर ही ऐसी है और इस बार संख्या बल बढ़ा है और थोड़ा सा एवरेज बढ़ा है। एवरेज जो बढ़ा है एनटीए के खुद के जवाब में वो सिर्फ 6.1% बढ़ा है, सिर्फ 6.1% एवरेज जो बढ़ा है। कैसे टॉप रैंक्स में इतना इंक्रीज हो सकता है?